अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि जो मैंने 3 नॉवल्स मंगवाए थे, अब फाइनली वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को उनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, और मुझे इनका बहुत इंतज़ार था और फाइनली ये मेरे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो क्वालिटी होती है, तो मैंने सबसे पहले इनकी क्वालिटी देखी कि ये बिल्कुल सही क्वालिटी में आए हैं कि नहीं। आइस ब्रेकर्स की क्वालिटी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इसके पेजेस बाकी दोनों की निस्बत थोड़े गंदे थे, और शटरमी की क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक थी आइस ब्रेकर्स के मुकाबले में। मतलब इसके पेजेस भी ज़्यादा ब्लैक नहीं थे, वाइट थे, सही थे। और इसके बाद इस बुक की क्वालिटी भी अच्छी थी। अब मैं अपने सारे नॉवेल्स आप लोगों को एक जगह पर रख के दिखाती हूँ। नॉवेल्स हैं, इनको किसी अच्छी जगह पर हम लोग सेट कर दें। वैसे तो ये वैसे ही पड़े रहते थे मेरे घर में, पर अब मैंने सोचा कि इनको किसी अच्छी जगह पर मैं सेट कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो मैंने अपने घर में इस कोने को मुख्तस किया, यानी ये एक बहुत अच्छा कॉर्नर लग रहा था मुझे बुक्स सेट करने के लिए। और ये कमरे में भी है, तो मुझे फिर बुक्स पढ़ने के लिए फिर बाहर भी कहीं जाना पड़ेगा। तो अब ये नमल थोड़ी मोटी है, तो इसको सबसे पहले हम कहीं पे फिट करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, और अब इसके साथ मैं और बुक्स रख रही हूँ ताकि ये फिर पूरा कॉर्नर ही हमारा फिल हो जाए। और अब इसके साथ फिर मैं जब तक ये जगह है मैं और नॉवेल्स भी रखती जा रही हूँ। कभी मैं आपको इनका रिव्यू भी दूँगी जब मैं पढ़ लूँगी कि ये कैसी नॉवेल्स हैं। अभी तो मैं नमल पर हूँ, जन्नत के पत्ते पढ़ लिए मैंने, और इसकी इस हालत को इग्नोर कीजिएगा। और ये ट्विस्टेड लाइव रख लिया मैंने, और इसके बाद फिर मैं ऐसे ही इनके अपने सीरीज से रखती जाऊंगी। ट्विस्टेड लाइव पहले पढ़ते हैं, उसके बाद गेम्स, उसके बाद हेट और फिर लाइज। और ये कॉर्नर भी हमारा सेट हो चुका है। तो ये 3 बुक्स मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे आज रिसीव हुई हैं। ये शटर मी तो पूरी सीरीज़ है, अभी मैंने पहली बुक ही ऑर्डर की है, इसको पढ़ के फिर मैं आगे करती रहूँगी। और ये स्पेनिश लव डिसेप्शन और ये आइस ब्रेकर्स, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, तो मैं आपको भी पढ़ के बताऊँगी कि ये कैसी नॉवेल्स हैं। और ये नावल मैं करेंटली पढ़ रही हूँ, काफ़ी अच्छा नावल है। और ये इसके साथ इट एंड्स विद अस और स्टार्स विद अस, तो ये वो नावल्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में है, यानी जो मेरे सिलेबस में शामिल होते हैं। और इस नावल की तो मूवी भी है, और मैंने इनको भी अब अपने लास्ट कॉर्नर में सेट कर दिया है। तो ये हो गई मेरी छोटी सी लाइब्रेरी, और मैंने इसमें से थोड़ी सी बुक्स पढ़नी है और काफ़ी पढ़नी है। तो जो जो मैं पढ़ती जाऊँगी आप लोगों को भी इनके बारे में बताती जाऊँगी कि ये कैसी हैं और आप लोगों को ख़रीदनी चाहिए या नहीं। और अभी तो मेरे काफ़ी सारे नॉवेल्स जो हैं वो रिसीव नहीं हुए, जैसे उमेर अहमद का अमर विल भी अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ। और फिर उसके बाद शटर मी की पूरी सीरीज़ भी मंगवानी है मैंने, तो फिर मैं उसको भी आप लोगों को साथ साथ अपडेट देती रहूँगी। और फिर मैंने इसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद अब मैं कुरान पढ़ के अपने दिन का इख्तिताम करने लगी हूँ। और अभी मैं कुरान पढ़ ही रही थी कि मेरी अम्मी ने कहा कि आओ वॉक पर चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं उनके साथ वॉक पर चली गई। और इसी तरह हमारी इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।